अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शाहिद रज़ा। आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने मुनाफिकों को मस्जिद नबवी से निकाला था और क्यों निकाला था, कौन कौन लोग थे वो। तो आइए नाज़रीन, इसका जवाब आप जानने की कोशिश कीजिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुछ लोग ऐसे भी नमाज पढ़ते थे जिनके अंदर निफाक था। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर बताते तो वो कहते कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर देते हैं, तो वो लोग मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने भी मुनाफिक मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं सब निकल जाओ, वरना मैं एक एक का नाम लेकर निकालूँ। जब कोई नहीं उठा तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फलां निकल जा, ऐ फलां निकल जा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुनाफिकों को निकाला था उनकी तादाद 36 थी। हाथ पकड़कर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं निकाला, अलबत्ता नाम ले लेकर ज़रूर निकाला। जैसा कि सरकारे आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर रहमा वो लिखते हैं, वो तहरीर फरमाते हैं। क्या लिखते हैं कि तर्जमा है उसका कि यानी इब्ने मर्दुदिया ने बरवायत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि उन्होंने कहा कि वाज फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा वाज के वैसा वाज मैंने कभी नहीं सुना। तो फरमाया, ऐ लोगों, बेशक तुम में बाज लोग मुनाफिक हैं, तो मैं जिसका नाम लूँ उसको उठना पड़ेगा, अच्छा उठ ऐ फलां, अच्छा उठ ऐ फलां। तो इस तरह बार बार हुक्म देते रहे, यहाँ तक कि 36 मुनाफिक मजमा से उठ गए। बहवाले फतवाए फैजुर रसूल। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पलीदों और गलीजों और गंदों नापाकों को नाम लेकर मस्जिद से निकाल दिया तो उनकी कलमा गोई और मुसलमानी हीला शक्ल सूरत को ना देखा, उनके रियाकाराना अमाल को ना देखा, बल्कि उनके गंदे अकायद को देखा और उनके गंदे अकायद की बिना पर मस्जिद से बाहर फरमाया।